एक मिनट रुक जाओ गाइस, यहाँ पर बॉम्ब तो हमें गिरा ही देने चाहिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। फिलहाल यहाँ पर बॉम्ब गए हैं, हल्के से लोग बच गए, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। मुंह तो इनका मैं तोड़ूंगा ही बहुत ही बुरी तरह। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने अपने प्लेन को यहाँ पर यू टर्न ले लिया, अभी जल्दी से मैं आगे लेकर चलता हूँ। और इस जगह पर गाइस मैं इनके ऊपर सीधा यहाँ पर बॉम्ब गिरा देता हूँ। 3, 2, 1 लो तुम्हारी ऐसे की तरह। तो भाई साहब इस बार हुआ बहुत ही गलत वाला ब्लास्ट, और जितनी भी गाड़ी थी गाइस सारी बहुत ही बुरी तरह गिरी है, और तुम्हारे भाई का निशान लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो ट्रक के नीचे पड़ा हो। फिलहाल सामने की तरफ में वो देखो किसी की बॉडी दिख रही है, और वही है अंडर वाटर माफिया। तो चलो गाइस यार फाइनली हमें यहाँ पर मिल गया, बाकी उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है और ये हमें पहचान भी नहीं पा रहा क्या। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर अंडर वाटर माफिया को होश तो आ गया है, लेकिन गाइस यार ये कह रहा है कि तुम लोग मेरे को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मिलिट्री वालों ने ना इसकी पीठ पर एक बॉम्ब लगा दिया है जिसको हम लोग निकाल नहीं सकते। अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, वरना ये ऑटोमेटिकली 5 से 6 घंटे के अंदर ब्लास्ट होने वाला है। तो कह रहा है कोई भी फायदा नहीं है मेरे को बचाने का, इसलिए तुम भाई को चढ़ना थोड़ा बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं तो आसानी से चढ़ गया, बट अंडर वाटर माफिया की काफी ज्यादा चोट लगी हुई है, इसलिए वो ढंग से नहीं चढ़ पा रहा था। फिलहाल जैसे तैसे कर ये भी ऊपर आ गया है, तो यार जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ। और गाइस अभी ना फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को लेकर यहाँ पर पीछे की तरफ से निकल लेता हूँ, क्योंकि मेन हाईवे पर तो इस टाइम बहुत खतरनाक लॉकडाउन होगा, और इस टाइम पर पूरे लॉस सैंटोस की पुलिस और सारे पागल हो गए होंगे। तो चलो गाइस वाले जब तक उन्हें मिल नहीं जाएगा। तो यार ये देखो ये जो गाड़ी है ना ये लेस्टर की है, और लेस्टर यहाँ पर छुपने की एक्टिंग कर रहा है। तो चलो गाइस अभी ना जल्दी सब लोग यहाँ पर आकर गाड़ी में बैठो, और बाकी ये बंदा हमें देखकर डर क्यों रहा है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर अंडर वाटर माफिया और ट्रेवर और लेस्टर भी यहाँ पर गाड़ी में आकर बैठ चुके हैं, और गाइस अभी ना जल्दी से इस गाड़ी को लेकर मैं निकल लेता हूँ सीधा उस वाले घर के लिए, जिस घर पर हम लोग कुछ टाइम के लिए रेंट पर रहे थे। बाकी यार अभी ना लेस्टर तो ये कह रहा है कि अपनी गाड़ी को ना मेन रोड से मत चलाना, और ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर इन गलियों से लेकर है, बाकी देखते हैं कि वो इसे डिफ्यूज कर पाता है या फिर नहीं। तो कि गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर सामने की तरफ में देख पा रहे हो, अभी ना फिलहाल लेस्टर इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश तो कर रहा है, बट लेस्टर कह रहा है कि ये बॉम्ब ना बहुत ज्यादा बड़ा है, और उसको ना ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर काफी सारी वायर्स है। तो पता नहीं यार लेस्टर इस बॉम्ब को डिफ्यूज कर भी पाएगा या फिर नहीं, और अपने पास ना सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे का टाइम है, और अगर ये 4 घंटे में डिफ्यूज नहीं होता है तो अंडर वाटर माफिया तो मरेगा ही, साथ के साथ हम लोग भी मरेंगे, और जो आसपास के लोग हैं वो भी मर सकते हैं, क्योंकि यार मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होगा जहां तक है। तो चलो गाइस यार आज की